So this is our room set. This is my outfit. तो उनको भी दिखाऊंगा मैंने इतना क्यूट सा बनाया है। ये आउटफिट क्यूटू सी मम्मी गद्दी सी ज़ैनब ने हिराबी को ऐसे शॉट से दिया। ओए होए ज़ैनब यार। Assalam o Alaikum, so welcome to our first YouTube channel and welcome to new vlogs. अभी मैं यहाँ पे अपना बना रही हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहले बना लिया है ये बेड। मैंने ये पूरा बनाना है, पूरा एक रूम बनाना है जिसके अंदर कर्टन्स होंगे, जिसके अंदर चेयर्स होंगी। अभी हम इधर चेयर भी बना रहे हैं बड़ी मुश्किल से, पता नहीं यहाँ पे हम रखेंगे। बना रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या बन रहा है ये। ज़ैनब तुमने देखा है मेरा बेड, जरा के देखो। फिर देखे कितना क्यूट लग रहा है इसके ऊपर। अभी देखना मैं रियल चादर भी छाऊंगी बड़ी अच्छी। हाँ तो गुड़िया भी ले लेती। गुड़िया क्यों भाई, हमने इंसान ही अंदर फर्नीचर रखना है बस हमने। और इधर अगर आप लोग गंद देख रहे हैं ना मेरे रूम में, मेरी हालत मेरे रूम की खराब हुई पड़ी है यार। One hour later. So guys, good morning. मैं बनाकर अपना प्रोजेक्ट सो गई थी, ठीक है। इतनी मैं लिटरली सिर्फ एक घंटा सोई, मुझे इतना सा टाइम मिला है। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी बना बनाकर। खैर अब मैं उठी हूँ, रेडी होगी यूनिवर्सिटी के लिए। आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया। आप लोग एक्साइटेड होंगे फॉर देखने के लिए, तो आए मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी यार, दिस इज माई प्रोजेक्ट। ये मैंने बनाया है एक रूम का सेट। ये हमारा क्यूट सा बेड है, बड़ी मेहनत से बनाया है। ये मैंने क्यूट सी क्लॉक बनाई है। ये मैंने जो है ना डस्टर्स को मिला के बनाई है, एक छोटा डस्टर बड़ा डस्टर। ये मैंने कार्डबोर्ड से चेयर बनाई है। ये हमारा मैट है, ये हमारी टेबल है, और ये मैंने छोटे छोटे टेबल्स बनाए हैं ऊपर मार्बल्स लगा के। और ये हमारे कर्टन्स हैं विंडो के साथ। सो ये टोटल हमारा सेट है। ये मैंने छोटी छोटी पिक्चर्स बनाई है, ऐसा ये भी हमारा फोटो फ्रेम है। सो दिस इज आवर रूम सेट। यार आप देखते हैं मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह उन्होंने कैसा बनाया हुआ, बाकी बच्चों का कैसा है, तो पता नहीं कंपटीशन कैसा होता है। मेरा अच्छा लगता है मैम को कि नहीं लगता। अब चलते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। मैं आप लोग अपनी लुक दिखा रही हूँ, मैंने आज क्या पहना हुआ है। टुडे दिस इज माय आउटफिट। मामा देखे मैंने कितना अच्छा बनाया है। छोटा मिनी घर नहीं लग रहा। अपना रूम भी ऐसे डेकोर कर ले। अपना रूम मैं ऐसे साफ कभी नहीं करती हूँ। क्या ये मार्बल्स का मल। मैं लेट हो रही हूँ, चले मैं पकड़ के निकल रही हूँ, मैं क्लास के लिए लेट। चल मैं छोड़ के आ जाओ। मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गई, मैंने अपना प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करवा दिया है। अब बारी है मेरी, क्योंकि बाकी सारे बच्चों का चेक हो गया, मेरा होना है। मैं आप लोगों को सजा के सबके प्रोजेक्ट्स भी दिखाती हूँ कि उनके कैसे हैं, ठीक है। मैंने देखी है, अब आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस, फाइनली हमारा जो था एग्जाम हो चुका है और मुझे इसके मार्क्स मिले हैं 100 में से 80। मतलब अच्छा है यार, मेहनत का जो थोड़ा तो फ़ायदा हुआ, ठीक है। मैम को बड़ा पसंद भी आया। अब मैं वापस घर लेके जा रही हूँ। आपके पास ऑप्शन थी, आप रख भी सकते थे, लेके जाते। तो मैंने कहा यार इतनी मेहनत से बनाया, घर लेके जाऊँ। सब बहनों को भी नहीं अभी दिखाया था, तो उनको भी दिखाऊँगा मैंने इतना क्यूट सा बनाया। अभी मामा और पता नहीं कौन साथ मुझे लेने आ चुके हैं, तो घर चलते हैं। तो जी मुझे लेने आई है मामा के साथ मोटी फातिमा भी। हाँ शुक्र है फातिमा ने भी अपने दर्शन करवाए मेरी यूनिवर्सिटी के बाहर, वरना फातिमा बस एकदम फेस्टिवल पे आ गई, बस जलील हो के गई थी। खैर तुम लोगों को बताऊँ मेरे इस प्रोजेक्ट में मुझे कितने नंबर मिले हैं। कितने? 100 में से 80। अच्छा, और मैम ने पता है तारीफ की, मैंने कहा गुड वर्क। तुमने फातिमा देखा नहीं है ना, दिखाऊँ? लिया कहाँ से? कहती रात को मैं ढूंढती फिर पूरी रात में अलमारी में कपड़े ढूंढ रही थी, कोई कुशन मिल जाए, कुशन मिल ही गया। फुल अमेज होके जो देख रही है मोती, मैंने तुम्हें दिखाऊँ मैंने मोती कहाँ पे यूज किया है। बेटा ये देखो, ये साइड्स पे मोती यूज़ है। ढाई को मोती यूज करके तो मुझे यूज भी। लेकिन बताओ ना बना कैसे, अच्छा बना लग रहा है रूम। और ये शक्ल की लगाई है बच्ची की, मुझे ऑटोमेटिकली मिली थी तो मैंने पुराने जमाने ही करके लगा दी। तो लेकिन अच्छा, बहुत प्यारा रूम। वहाँ बच्चों के ना मेस भी ट्रिपल अच्छे थे, पता है? मेरा तो कुछ भी, बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे थे। फातिमा को भी दिखाते हैं। फातिमा ये देखो कितनी मेहनत की है मैंने, रात को बैठ के पूरा बेडू बनाया है। ये मम्मा का वो कवर फाड़ा मैंने, कुशन फाड़ा है, पिक्चर लगाई है पीछे तुम्हारी तरह का देखो लगाया है, ये विंडो बनाई है। हाँ। ये सारा देखो चेयर ही बनाई, अच्छा है ना? हाँ अच्छा लग रहा है, चेयर लगाई। जो क्लास के बच्चों ने बनाया हुआ था वो बहुत अच्छा था, सबको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, सबने बहुत अच्छा किया। सो भी सकती हो?
मम्मा हाँ सो जाए आप। ये मैम को बेडशीट बड़ी अच्छी लगी थी, मैं ऐसे लगा के टच किया था मैम। अच्छा काम कर लिया ना मैंने, गुड गर्ल राबिया। तो यार मैं पूरी रात आज सोई नहीं हूँ, ठीक है, लिटरली सिर्फ एक घंटा सोई हूँ, तो अब मैं थोड़ी देर सोने लगी हूँ। बट उससे पहले हम लोग खाएंगे मम्मा के हाथ के मजेदार से मसल चावल एंड विद अनियन सैलेड। मम्मा के तो हाथ की कुछ और ही बात है। खा के सो जाओ अब। हाँ। दो घंटे नहीं उठना, दरवाजा कोई नहीं उठाए। दो घंटे आप ना कहे, मैं 12 घंटे नहीं उठूंगी। अब मैं सोने लगी हूँ, ठीक है, उठ के फिर हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। बाकी बहनों हीरापे को भी दिखाना है अपना, उसने तो मेरी गलतियां भी निकाल ली है। तो खाना चला खाते हैं, सोते हैं फिर उठते हैं। उठ गई थी और रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैंने अपनी एक दोस्त की बर्थडे पे जाना जो मुझे बिल्कुल भूल चुका था, बट मुझे नींद में एकदम से याद आया कि ओह शिट मैंने बर्थडे पे भी जाना है। तो मैं फुल रेडी शेडी हो गई, आपको अपना आउटफिट भी दिखाती हूँ। ये आउटफिट आप लोग देख सकते हैं, बहुत क्यूट लग रहा है, और साथ मैंने गिफ्ट्स भी पकड़ लिए हैं। तो यार गिफ्ट मैंने उसके लिए क्यूट सी शर्ट ली है, ठीक है, और साथ मैंने उसके लिए कैंडल्स दी है, साथ हमने ये क्यूट से सॉक्स लिए और साथ ही क्यूट सी हमने नेल पेंट लिया। तो ये मैंने उसके लिए गिफ्ट बनाया है। और मामा इधर चिड़चिड़ी बनी हुई है क्योंकि वो कह रही है कि तू घर नहीं बैठती, बस आती है घूमती, आती है घूमती है। मामा बस ये आखिरी दिन है, इसके बाद घर पे रेस्ट ही होगी। इसीलिए तेरी सेहत नहीं बनती। मैं सारा दिन राबिया ये पी लो, ये खा लो, वो कर लो, राबिया ये कर लो, वो कर लो, बर्थडे कर लो। मामा देखे अपनी तरफ, मेरी दोस्त भी तो मेरे बर्थडे पे आई थी, मेरा भी जाना बनता है। खैर मैं लेट हो रही हूँ, ऊपर से ड्राइवर अंकल भी नहीं है, बंदा अगले दिन चला जाता है, एक दिन काम किया दूसरे, ऊपर से अब उसका बर्थडे ही आ जाए, एक भी छुट्टी नहीं दे रहे, काम कल काम परसों काम, काम इतने काम करवा दे, इतने काम करवा दे। खैर मैं निकल रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ बहुत ज्यादा। इतना यूनिवर्सिटी में काम होता है, मैंने तुम्हें इस फील्ड में नहीं डाला। बस हम आप तो मैं चली गई हूँ। खैर आज मैं कैब पे जाना पड़ेगा क्योंकि ड्राइवर अंकल आज छुट्टी पे थे। आप छोड़ रहे हैं मुझे मामा गाड़ी पे, सिखाओगी तो जाओ, हम दोनों इकट्ठे सीखेंगे, ठीक है। गाइस तो जल्दी गाड़ी पे सीखनी है तो चलो हम निकलते हैं। और ये लड़की अभी सोकर उठी है, इतनी प्यारी लग रही है। शुक्र है जरा ने मेरी तारीफ की है तो मतलब प्यारी लग ही रही हूँ। मुझे भी लेकर जाओ बर्थडे पे। मानो जी अब आपका काम नहीं, आपके बर्थडे से मैं जाती हूँ नहीं ना, तो फिर मेरी दफा क्यों बोल रही हो। चलो मैं लेट हो रही, मुझे जाने दो, बाय बाय। राबिया की फर्स्ट टाइम किसी दोस्त की बर्थडे है, ये फर्स्ट टाइम से लियो के फंक्शन होते रोज, आज पहली दफा से लेके घर जा रही है। कभी ज़ैनब जॉयलैंड जाती है, कभी ज़ैनब कहाँ जाती है, कभी हाँ मैं जा रही हूँ तो मुझे भी जाने दो। चलो बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़, लव यू। तो यार मैं घर से निकल पड़ी हूँ, मैंने 5 बजे पहुँचना था और अभी 6 बज गए हैं, और अभी जाते जाते 7 बज जाने तो पता नहीं क्या होगा। कोई नहीं, चलते हैं। ओके गाइस, सो फाइनली हमारी बर्थडे शादी खत्म हो गई थी और मैं बहुत थक गई हूँ। इस टाइम रात के 12 बज चुके हैं, ठीक है, और अब घर जाते हैं और कोई काम शाम करते हैं। आज मैं वेलियां मारी हूँ पूरा दिन। सो गाइस फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और घर पे मुझे देखने को आते साथ मिलती हैं क्यूटू सी मम्मी, गद्दी सी ज़ैनब। अच्छा जाते भी अम्मी देखती हूँ, आके भी अम्मी को ही देखती हूँ। बस मम्मा का चेहरा देख लिया और क्या चाहिए, और इसका चेहरा देख लिया और जिंदगी में क्या दुख चाहिए। खैर मैं रेस्ट करना चाहती हूँ गाइस। एक्सरसाइज जो इजी वाली थी कंप्लीट हो गई है और मंडे से हमने हैवी वाली मशीनें यूज करनी है। गाइस दादू को अपडेट दे दूं कि मामा ने जो है ना वो जिम ज्वाइन किया, मम्मा फुल फिट हो रही है पापा के आने से पहले, ताकि पापा के आने पे वो फुल जो है ना फुल बेस्ट बॉडी बना सके। पहले नहीं, हमने पापा के पास जाना है। अच्छा अब्बू जी कह रहे हैं उन्होंने नहीं आना और तुम बुला रही हो पापा को। नहीं मम्मा ने अपनी फुल वो वाली बॉडी बना रही है। गाइस मैं भी जिम ज्वाइन करना चाहती हूँ, बस वही सेहत बना लूँ फिर ज्वाइन करूंगी। ये इसलिए ज्वाइन करना चाहती कि मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। मैं हम तुम्हें नहीं लेके जाएंगे, आना भी नहीं, मैं अपना अलग जिम ज्वाइन कर लूंगी। खैर मैं अपना प्रोजेक्ट में देख, मुझे अपने बात ही नहीं मुझे हट जाओ क्या। हम लोग तो अमेरिका जाने की बात कर रहे थे, बट यू आर टॉकिंग अबाउट जिम। मैं आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, प्लीज अपना आपको संभालो। खैर मैं आप लोग अपना प्रोजेक्ट का सूत्रधार दिखा दूं, इसकी देखो हालत क्या है, यहाँ पे गंदा कवर किसने रखा है। ओए ज़ैनबी, और ज़ैनब हमने हीरापे को तो चेक करवाया नहीं गाइस, हीरापे पर सोई पड़ी है, ठीक है, उसको ही हम दिखा के आते हैं क्योंकि उसने मुझे कहा था मुझे दिखाना, तो आओ उसको दिखा कर आते हैं। ये लो एक मिनट में ध्यान से पकड़ो, गिराना नहीं है इसको, बस चलो हम हीरापे को उसको दिखा के आते हैं उसको। फिर उसने कहा तुम बर्थडे से वापस भी आ गई हो। ये रबे का ड्रीम हाउस है गाइस, ये मेरा ड्रीम हाउस नहीं, मेरा ड्रीम बेडरूम है, हाउस नहीं मम्मा। तो ये ज़ैनब मानो हमारा बेडरूम लेकर आ रही है और हम लोग ने हीरापे को ऐसे शौक से दिया। ओए होए ज़ैनब यार, तुमने वही उसको तोड़ दिया, मैं इतनी मेहनत से जोड़ा हुआ था मम्मा, इसने मेरा घर तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया इसने, सारा तोड़ दिया इसने मम्मा। मैंने हीरापे को दिखाना था यार। ज़ैनब यार,
फिर तुमने ठोक गया उसको, उसका बेल्ट उतार दिया है, हटो। मम्मा यार मेरे गुस्सा चढ़ रहा है, छोड़ दो, छोड़ दो उसको, बदतमीज औरत, छोड़ो बेड निकाल दिया, बेडशीट निकाल दिए तुमने पागल, छोड़ दो तुम, छोड़ दो, दफा नहीं आते। मम्मा यार बंदे ने मेहनत की है, ये तो गलत बात है ना, मुझे बोला नहीं जा रहा, जाओ यहाँ से, छोड़ो उसको, गाइस जैनब ने इसकी पूरी हालत कर दी है, उसको यहाँ से सारा उसके क्लू उतार दिए मेरी, ठीक है, और इसे मेरा फोटो फ्रेम तक उतार दिया और मेरी बेडशीट भी निकाल दी है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही रापे को दिखाते हैं, रापे ये लो यार मेरा प्रोजेक्ट देख लो आके, और लेकिन ये टूट गया, जैनब मोटी ने तोड़ दिया है, इसने सीढ़ियों में गिराया है इसको और वो निकल गया सारा। टूटा कैसे है यार, इसे सीढ़ियों में गिराया है ना, तो वो ये उसकी ये चिपकी चिप उतर गई है और ये भी उतर गया। ये प्रोजेक्ट सबमिट कैसे करवाओगी रावे? नहीं करवा दिया, मार्क्स वर्क्स लग गए, तो मैं वैसे ही लेकर आई थी शो, अगर तो सबमिट करवाना होता ना तब अगर ये टूटता मैं जैनब का बुरा हाल कर देती, मैंने इतना प्यारा फ्रेम देखा किया था, डॉल हाउस लग रहा है, फोटो फ्रेम मुझे चाहिए छोटू सा। ये आपको चाहिए? हाँ, इसकी वो किधर है वो, क्या वो जो पीछे लगती है खड़ा करने वाली, वो मैंने उतार तोड़ दी थी मैंने, मेरे टेक्निक लगे लड़की को पुराना करने के लिए ना उसके ऊपर पेंट किया था, वरना वो न्यू जमाने की तोड़ ही दिया आपने, ओ। इसके अंदर कुछ और रखूंगी, इसके अंदर हीरा भी अपने बचपन की ऐसे करके फोटो रख ले हैं, कोई कोर्ट हो चलो ले लो, इसके पीछे वाला ये है, बाकी हमारा ये चीज इसको कोई बात नहीं। मेरी विंडो तो देखो मेरी कितनी प्यारी बनाई थी, देखा विंडो देखा, पता है इसे मेरे मार्क्स कितने आए, सारा ये मैंने बनाया ऊपर बेडशीट मम्मा का पिलो काट के गत्ते से, और अंदर स्लाइम है ये वाली, पता हाँ स्लाइम डाली हुई अंदर, कितनी अच्छी चीज है ना, इसने हाथ लगा के भी देखा होगा, मिस ने ऐसे करके मिस इसको हाथ लगा कैसे देखा था, फिर इसको देखा था, इसको नरम नहीं किया, इसे पता है मेरे मार्क्स कितने 100 में से 80 देख लिया, 8 आए नहीं 80 बस 20 मार्क्स कटे हैं वो, फिर इसीलिए देखो ना मैंने, लेकिन फोटो फ्रेम मैंने क्योंकि नकली बनाए थे, अब ऐसा करो इसी में रहना शुरू कर दो, मैं ये अपना ड्रीम इसको होम ना बना लूं। वही ना कुछ लेके आती है रोज, कभी इसके स्कूल में कुछ हो रहा था, कभी भंगड़ा हो रहा था, या ऐसे स्कूल में हमें भी जाना है यार, वो देखो ना मैं ही लग रही थी मुझे मिल गया, बचपन में एक आप सोच रही थी और बड़े होकर मेरी ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है, कह रहे इसको नीचे लेके जाते हैं उसको जोड़ते जोड़ते, चलो ये आप ले लो। सो गाइस होप सो कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो, होप सो कि आप लोगों को बाकी बच्चों को भी प्रोजेक्ट अच्छे लगे हो, सो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो, ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।